नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रेगा हब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब आपके घर में लड़का पल रहा होता है तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे निशानियाँ होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान लड़का होने का घर में दावा करती हैं। दोस्तों, ऐसी ही कुछ तीन चार निशानियाँ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको वो तीन चार निशानियाँ कौन कौन सी हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल का उद्देश्य किसी भी लिंग को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। लड़का हो या लड़की, दोनों ही हमारे लिए समान हैं और दोनों ही अपने माता पिता के लिए समान होती हैं, इसलिए हम दोनों में से किसी में भी भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको उन तीन निशानियों के बारे में। दोस्तों, जैसे ही गर्भवती महिला का जो प्रेगनेंसी होती है वो आगे बढ़ती जाती है तो उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है यह जानने की कि महिला के गर्भ में एक बेबी बॉय पल रहा है या एक बेबी गर्ल पल रही है। दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला का बिल्कुल भी खट्टा खाने का मन नहीं करता है तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आप एक बेबी गर्ल को जन्म देने वाली हैं। यदि गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के दौरान खट्टा खाना ज़्यादा पसंद आता है और तीखा भी, तो वह आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आप एक बेबी बॉय को कंसीव कर रही हैं। और दोस्तों, दूसरा लक्षण होता है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिला को ज़्यादा भूख लगती है, यानी कि उसे कुछ ना कुछ खाना प्रेगनेंसी में ज़्यादा पड़ता है, यानी कि तीनों चारों टाइम वह हमेशा खाता ही रहती है, तो यह एक गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। इसके अलावा, अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिला को बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है और उसको सिर्फ उल्टियाँ ज़्यादा होती हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आप एक बेबी गर्ल को कंसीव कर रही हैं। और दोस्तों, जो अगला लक्षण होता है वो होता है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिला को प्याज की जो स्मेल होती है वो अगर पसंद नहीं आती है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वह महिला एक बेबी बॉय को कंसीव कर रही है। यदि प्रेगनेंसी के दौरान महिला को प्याज खाना और उसकी स्मेल होती है वो बहुत अच्छी लग रही है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वह एक बेबी गर्ल को कंसीव कर रही है। तो दोस्तों, आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।